सच्चा समर्पण। बहुत समय पहले सागर किनारे छिछले पानी में मछलियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड में हजारों मछलियां थीं। वो गहरे पानी की मछलियां नहीं थीं, इसलिए कम पानी में किनारे के आसपास ही रहा करती थीं और हल्की फुल्की लहरों के साथ किनारे की तरफ आती और खूब मस्ती करती थी। वैसे तो वे अपने जीवन में खुश थी और संतुष्ट भी, मगर हर रोज सुबह उठते ही उनके मन में एक डर जाग उठता था, मछुआरे के जाल का डर। हर सुबह मछलियों की तरह ही किनारे के पानी में मछुआरा भी आता था अपना जाल फैलाने के लिए। रोज दर्जनों मछलियां उस जाल में फंस जाती थीं। मछलियों के सुखी जीवन में बस इसी बात का डर था। उन मछलियों ने मछुआरों के जाल से बचने के लिए कई तरकीबें निकाली, मगर कोई हल ना निकल पाया। कुछ मछलियां अचानक फंस जाती थीं, कुछ सुस्ती के कारण, और कुछ तो बेचारी जानते बूझते हुए भी भाग नहीं पाती थीं। लेकिन उस झुंड में एक मछली थी जो मछुआरे के जाल से नहीं डरती थी। वो थी बबली। वो तो उस वक्त भी मजे से तैरती फिरती थी जब दूसरी सारी मछलियां ये सोचने में लगी रहती थीं कि अगली सुबह जान बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाएगा। भाइयों और बहनों, वर्तमान में जियो, इस पल में जियो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो। बबली, तुम्हारे लिए ये कहना बड़ा आसान है, क्योंकि अब तक तुम उस जाल से बची हुई हो और उसे डरती भी नहीं। इसमें किस्मत की तो कोई बात ही नहीं है। असल में मछुआरे के जाल से बचने के तीन पक्के उपाय हैं और तीनों एकदम सरल। क्या हमें भी वो उपाय बताओगी ताकि हम भी बेफिक्र होकर जिएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहला उपाय है, गहरे पानी में गोते लगाने की कला सीख लो। मछुआरा कभी गहरे पानी में जाल नहीं डालता। ये संभव नहीं है बबली, हम छिछले पानी की मछलियां हैं। चलो दूसरा उपाय बताओ। अपने दांत मजबूत और तीखी धार वाले बनाओ, ताकि जाल में अगर फंस भी जाओ तो उसे काट कर आजाद हो जाओ। अरे, हमारे दांत इतने पैने और मजबूत नहीं हैं, इनसे जाल काटना तो असंभव है। तुम सही हो, मेरे भी दांत इतने मजबूत नहीं हैं और ना ही मैं गहरे पानी में जाती हूँ। तो क्या करती हो? मैंने तो तीसरा रास्ता अपनाया है। और वो क्या है? जब मछुआरा आता है और जाल फैलाने लगता है, मैं सीधा जाकर उसके पाँव के पास तैरने लगती हूँ। वही एकमात्र जगह है जहाँ जाल कभी नहीं पहुँच सकता। शाबाश बबली, कितना अनोखा उपाय है। हमें भी ये तरीका बताने के लिए धन्यवाद। अब हमें मछुआरे के जाल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस कहानी में बबली हमें भगवान द्वारा फैलाए माया के जाल से संसार रूपी भवसागर में रहते हुए भी हम फंसने से कैसे बच सकते हैं, यह रहस्य समझाया है। पहला उपाय है, ऊपरी हलचल से बचकर गहराई से मनन करके ज्ञान प्राप्त करो। यह मार्ग ज्ञान मार्ग है। दूसरा उपाय है, जाल को काटकर मुक्त हो जाओ। यह मार्ग कर्म मार्ग कहलाता है। तीसरा, सबसे सरल और अच्छा उपाय है कि उसी भगवान के चरणों में समर्पण कर दो जो माया का जाल फैलाता है। यह मार्ग समर्पण का है, जो भक्ति मार्ग कहलाता है। जब हम प्रभु के चरणों में शरण ले लेते हैं तो हमारे जीवन की सुरक्षा प्रभु की जिम्मेदारी हो जाती है।